हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस टीचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको ब्लोरो जैकेट और नेट की कुर्ती बनाना बताएंगे। तो नेट की कुर्ती हमने पहले से ही कटिंग कर ली है, लाइनिंग है और नेट है, और हम आपको आप कुर्ती में उसे अटैच करना बताएंगे, ब्लोरो जैकेट को, और उसकी कटिंग बताएंगे। अभी देखिए, कुर्ती की कटिंग तो मैंने आपको बता दी है करनी। उसके बाद कोटी बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। कपड़ा हमारा, जैसे कि हमारे इस नेट के कपड़े में ये ब्लैक कलर के फ्लावर आए हुए हैं और व्हाइट कलर के भी हैं। आप इस पे व्हाइट कलर की कोटी भी लगा सकती हैं, ब्लैक कलर की, तो मैं ब्लैक कलर की लगा रही हूँ इसके ऊपर। तो ये देखिए, ये मेरा जाली वाला कपड़ा है। ये वैसे तो नॉर्मली कपड़ा है, नेट भी नहीं है ये और कॉटन भी नहीं है, तो ये नॉर्मली कपड़ा है। और उसके बाद इसमें जाली वगैरह बनी हुई है। तो कोटी के लिए आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकती हैं, साटन का भी यूज कर सकती हैं। साटन के कपड़े में आपको वो लाइनिंग लगाने की जरूरत पड़ेगी। और एक चीज और मैं आपको सबसे मेन बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें आपको कोटी कुर्ती के साथ अटैच करना बताऊंगी, लेकिन कुर्ती के साथ अटैच करने से ये होगा कि जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट हैं वही आएंगे और जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसमें हमारा ये हिस्सा नहीं होगा। सिर्फ वो जो हम कोटी वो कुर्ती में अटैच करते हैं तो वो फ्रंट पार्ट पे ही आएगी, बैक पार्ट पे नहीं आएगी। और पहले मैंने आपको बताया था, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको पहले नॉर्मल कुर्ती बनाना बताऊंगी। उसके बाद जो कुर्ती हम अलग से लगा वो सूट में अटैच करते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी मैं आपको ये कुर्ती बता रही हूँ जो हम बैक और फ्रंट दोनों में बनाते हैं और कुर्ती के ऊपर पहनते हैं, वो वाली बता रही हूँ मैं आपको अभी। आपको फिर भी समझने में दिक्कत हो इसीलिए मैं पहले आपको नॉर्मल कुर्ती बता रही हूँ, फिर आपको मैं वो भी बताऊंगी। वो थोड़ी हार्ड है, वो बाद में बताऊंगी, मैं पहले ये बता रही हूँ आपको। तो इसके लिए हमने एक कपड़ा लिया है, ठीक है। पहले तो आपको मैं इसका मेजरमेंट बताती हूँ कि हमें ये जैकेट किस प्रकार से कट करनी होती है। जैसे कि हम पहले अपनी ब्रेस्ट नापते हैं, तो ब्रेस्ट हम इस प्रकार से नापेंगे। ये देखिए, हमारी ब्रेस्ट बैठ रही है। थर्टी थ्री इंच, ठीक है। ये देखिए, 33 इंच बैठ रही है हमारी। तो इसका फोर्थ भाग, फिर भी आपको ऐसे हिसाब लगाने में फोर्थ भाग करने में दिक्कत हो तो मैं आपको अभी बताई देती हूँ इसका नॉर्मली तरीका। ये देखिए, ये हमारे दो पार्ट हो गए, ठीक है। अब हम इसका फोर्थ भाग कर लेंगे। तो फोर्थ भाग हमारा आएगा 80 एंड हाफ, ठीक है। 80 एंड हाफ बैठ रहा है हमारा फोर्थ भाग। तो 80 एंड हाफ में आप 2 इंच और ऐड कर दें, वो जो हम कपड़ा लूजिंग के लिए रखते हैं, जैसे हमें कभी कुर्ती ढीली करनी हो या कुछ करना हो तो उसके लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। और जैसे कि आपकी जिस 40 साइज से हमारे पास कई बार इस चीज की कमेंट आई है कि हमारी जिस 40 है तो हम उसका कितना लें, आप इसी हिसाब से, ये देखिए ये भी 38 है, ऐसे बताती हूँ मैं आपको। किसी की 38 है, किसी की जितनी भी है, तो आप ऐसे 38 को ऐसे दो बार नापें, ठीक है। दो बार हो गया, और उसके बाद इसके फोर्थ भाग कर लें ऐसे। तो 38 का हमारा बैठ रहा है 9 एंड हाफ। तो 9 एंड हाफ में आप 2 इंच और ऐड कर दें, जैसे मैंने अभी आपको बताया सिलाई के लिए। तो इस प्रकार से ये फोर्थ भाग होते हैं, और इसी प्रकार से कमर के होते हैं। जैसे कि कमर 28 28 है तो उसका भी फोर्थ भाग कर दो और उसमें भी 2 इंच और ऐड कर दो। हिप का भी यही, ये नॉर्मली हिप तक यही मेजरमेंट है, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको इसका नाप बताती हूँ किस प्रकार से हम इसका नाप लेंगे। तो जो हमें इसकी लंबाई रखनी है, तैयार तो रखनी है हमें 50 इंच, ठीक है। 50 इंच में हम, हमारा कितना बचा है, 1 इंच। 1 इंच को हम फोल्ड करने के लिए रखेंगे। तो उसके बाद हम सबसे पहले इसमें शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमें, जैसे हम नॉर्मली गला रखते हैं 3 इंच या 2.5 इंच, 2 एंड हाफ, ठीक है। तो इसमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, या तो आप 4 ले सकती हैं, 3 एंड हाफ ले सकती हैं। तो मैं इसमें 3 एंड हाफ लूंगी, ऐसे 3 एंड हाफ पे मार्क कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से 7 इंच लूंगी। ये हमारे, जैसे हम नॉर्मली लेते हैं 7 इंच शोल्डर, तो ये मैं 7 इंच ही लूंगी ऐसे। और उसके बाद यहाँ से भी मैं 7 इंच लूंगी,
ऐसी नीचे से ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद यहां से जैसे मैंने आपको भी बताया था 8 1/2, ठीक है, मेरी ब्रेस्ट का चौथाई भाग, फोर्थ भाग, तो उसके बाद मैं इसमें 2 इंच और ऐड कर दूंगी, तो मैं 10 1/2 लूंगी इसमें। यहाँ से ऐसे हल्का सा कपड़ा हम यहाँ से कटिंग करते टाइम निकाल देंगे ऐसे, और जो हमारी फिटिंग की सिलाई यहाँ पे होगी, यहाँ पे इसको हम ऐसे सीधा कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम इसमें करीबन 1 1/2 इंच का कर्व देंगे ऐसे, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत नॉर्मल ही है, जैसे हम कुर्ती वगैरह कट करते हैं ऐसे। और यहाँ से हम 1/2 इंच लेंगे इतना, और ये हमारा फ्रंट आर्म होल है ऐसे। यहाँ से हमने 1 इंच लिया है, यहाँ से और थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको ऐसे, और 1/2 इंच हम यहाँ से लेंगे नीचे की साइड से ऐसे, और इस 1/2 इंच को इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा बैक वाला पीस, जो सॉरी पार्ट होगा, तो उसमें हमें सिर्फ 1 इंच का गला कट करना है इसमें, तो 1 इंच पे ऐसे मार्क करके मैं, और इसे ऐसे गुलाई में मिला दूंगी ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूंगी, कटिंग हम यहीं से करेंगे पहले। ठीक है, अब उसके बाद मैं ये आर्म होल कट करूंगी। वैसे तो नॉर्मली इसकी लेंथ इतनी होती है, अगर आप बड़ी बनाना चाहती हैं तो आप बड़ी भी बना सकती हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है ऐसे। अब उसके बाद यहाँ से भी हल्का सा कपड़ा हम निकाल देंगे इतना। अब हमारी फिटिंग की सिलाई लगने के बाद हमारा इतना कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा होगा, जिसे हम कभी भी, इसे जब हमें जरूरत पड़े हम इसे ढीला कर सके, तो इसलिए हमें इतना कपड़ा छोड़ते हैं इसमें दोनों तरफ को, ठीक है। अब मैं इसमें से फ्रंट पार्ट निकाल दूंगी और बैक पार्ट में आगे की तरफ को इसकी कटिंग करूंगी। अभी देखिए, ये हमने बैक वाला पीस इसमें से हटा दिया, और उसके बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट पे हम इसकी लेंथ लेंगे 8 इंच, ठीक है। 8 इंच लेने के बाद जैसे हम इसमें कर्व देते हैं, देखिए हमने दिया भी है, मैं आपको फिर से बताती हूँ कर्व देके, ये ऐसे इस प्रकार से यहाँ से कर्व देके इतना, और 1/2 इंच हमें इधर छोड़ देना है इधर की साइड में, और इधर की साइड में छोड़ के हमें ऐसे सीधा करना है ऐसे, करीबन ये करना है हमें 2 इंच तक, पूरी लाइन करनी है यहाँ से ऐसे। 1/2 इंच के बराबर हमने कपड़ा छोड़ा हुआ है ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से हम 2 इंच का कर्व देंगे, यहाँ से 2 इंच ऐसे, और यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंच, 3 1/2 यहाँ से, और 3 1/2 हम इधर से नाप लेंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद हम इसे कर्व देंगे इस प्रकार से ऐसे, यहां से भी हल्का हल्का 1/2 1/2 इंच के बराबर कर्व देते हुए ऐसे सीधा चलेंगे हम ऐसे ऐसे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट की। सबसे पहले हम यहां से कटिंग करेंगे इस गले की साइड से ऐसे, और उसके बाद इसे ऐसे रख के, और ये पार्ट तो सिर्फ हमें अलग करनी है, गुलाई हमें यहाँ से देनी है ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद हम ये पार्ट अलग कर देंगे अपने दोनों पार्ट ऐसे,
ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारी कुर्ती, सॉरी कोटी इस प्रकार से होगी, ऐसे इस प्रकार से इसकी कटिंग हो गई। और हम इसमें इनर भी लगा सकते हैं, लगाने को तो इनर लग जाएगा इसमें ब्लैक कलर का ही, पर वैसे हमें कोई खाली तो पहननी नहीं है, हमें कुर्ती के ऊपर पहननी है, तो ऐसे भी चल जाएगी ये। और उसके बाद इसमें हम लेस भी लगाएंगे राउंडली पूरे में यहाँ तक गोल, और उसके बाद हम इसमें पाइपिंग भी लगाएंगे और लेस भी लगाएंगे, दोनों चीज लगाएंगे इसमें हम। अब ये देखिए, जो हम इस कुर्ती में अपना गला बनाएंगे वो तो हम नॉर्मली बनाएंगे, वो तो मैंने आपको बता भी रखा है किस प्रकार से, क्योंकि जो हमारी ये कोटी की हमने कटिंग की है तो हमने बताया 5 शेप में हमने इसकी कटिंग की है, तो थोड़ा इससे वो शेप तो नहीं देनी है क्योंकि वो तो हमारी नीचे तक कट चुकी है। हम गला तो कोई भी बना सकते हैं लेकिन हमें वही शेप देनी है उसको डेकोरेट करने के लिए, उससे हमारा अच्छा डिजाइन बन के आएगा और पहनने में भी अच्छी लगेगी। तो हम यहाँ से 3 इंच लेंगे ऐसे, और इसके बाद जो गले की लेंथ रखनी है वो रखनी है 6.5। फ्रंट वाला है ये हमारा गला ऐसे, और उसके बाद यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे सीधी ऐसे, और उसके बाद यहाँ से हल्का सा इसे सीधा कर देंगे हम ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें शेप देनी है, शेप हमें इस प्रकार से देनी है इसमें ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ये तो मैंने आपको कई बार बता भी रखा है किस प्रकार से हम शेप देते हैं। और उसके बाद 1 इंच का हम इसमें मार्जिन रखेंगे, यहाँ से 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, पूरे में 1-1 इंच करते हुए चलना है ऐसे, और फिर इनको ऐसे सबको इसी शेप में हम ऐसे मिला देंगे 1 इंच के कर्व के हिसाब से ऐसे। अब इसे हम कट करेंगे, और जो हमारा बैक वाला गला होगा वैसे आप उसमें बना सकती हैं, बड़ा भी बना सकती हैं उसे जितना आप बड़ा पहनती हैं, पर हम उसमें छोटा ही गला बनाएंगे पीछे की साइड को ये देखिए, इस प्रकार से हमारा ये गला कट करके कट होके आया है। अब हम इसे आपको कपड़े पे सिल के बताएंगे। अब देखिए, अब हम आपको इससे पहले तो हम इस कुर्ती को तैयार करेंगे, नेट की कुर्ती को, और उसके बाद इसकी कोटी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले कुर्ती तैयार करने से पहले ये हमारा ऊपर का भाग है जहाँ पे हम अपना गला लगाएंगे, और ये हमारे आर्म होल है, ठीक है। ये ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे बॉटम पार्ट का हिस्सा है। तो बॉटम पार्ट का जो हमारा ये, हमने आपको बताया था कि हमें 1.5 इंच फोल्ड करना होता है। ये हमारी लाइनिंग होती है, ये हमारे नेट से थोड़ी ऊंची होती है, ठीक है। तो हम इसे 1.5 इंच के बराबर ऐसे फोल्ड कर लेंगे, इतना दोनों पीस में ऐसे ही फोल्ड करना है। फिर उसके बाद हमें सिलाई लगानी होगी, जो सिलाई हम उसके लिए लगाते हैं जिससे हमारा कपड़ा सेट बैठा रहे, कच्ची सिलाई लगाते हैं ऐसे। देखिए, सीधी सिलाई लगानी है इसके ऊपर ऐसे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आप नई नई वीडियोस देख सकें जिन्हें हम डालते हैं। तो देखिए, नीचे का बॉटम पार्ट हमने फोल्ड कर लिया है और ये हमारी कुर्ती का सीधा हिस्सा है। उल्टे कपड़े की तरफ को हमें ये लाइनिंग उल्टी रखनी है जिससे हमारा ये कपड़ा अंदर की तरफ को आ जाए, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद हम इस पे राउंडली पूरे में सिलाई लगाएंगे जिससे हमारा ये नेट और लाइनिंग दोनों एक साथ मिल जाएं। तो हम आर्म होल से लगाना स्टार्ट करेंगे,
दोनों पीस में हमें यही करना है कि हमें अपने ये कपड़े ज्वाइंट करने हैं दोनों। ऐसे यहाँ से भी ऐसे थोड़ा इजीली हो जाता है हमें सिलने में, कि हम आप कच्चा भी कर सकती हैं अगर ऐसा नहीं करना चाहती ना, तो आप सुई से भी कच्चा कर सकती हैं, लेकिन इस पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए हमने दोनों पार्ट सिल लिए अपने, ये फ्रंट वाला भी और बैक वाला भी, ठीक है। अब उसके बाद हम इसका ये नेक तैयार करेंगे। तो नेक तैयार करने के लिए हमने 6 इंच का यहाँ से मार्जिन लिया है, जैसे हमने 3 इंच का गला कट किया था, तो उसी हिसाब से ऐसे हमें इसके ऊपर सीधी सिलाई लगानी है ऐसे। मशीन को रोक के फिर चलना है इधर की साइड में, और जो हमारा ये बाकी का कपड़ा ज़्यादा है जहाँ से, वहाँ से तो हम कट कर देंगे, और उसके बाद हम और कपड़े को फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर। अभी देखिए अब जैसे हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से, यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ से तो सही है, तो यहाँ से हम इस कपड़े को इतना इतना कट कर देंगे, इतना इतना, ठीक है। अब उसके बाद हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे ऐसे पूरे को इस प्रकार से, इधर से भी ऐसे, अभी देखिए गला हमने सिल के तैयार कर लिया। उसके बाद हमारा जो इसका बीच सेंटर है, ऐसे गले को फोल्ड करके ऐसे बराबर, और इसमें कट लगा लेंगे ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे चौक से इसे डार्क कर देंगे, जिससे इसके सेंटर का पता लगता रहे, जिससे गला टेढ़ा ना हो हमारा ऐसे, ठीक है। अब ऐसे कुर्ती को करना है ऐसे, दोनों पार्ट फोल्ड करके ऐसे बराबर, ये दोनों पार्ट फोल्ड करने के बाद में ऐसे यहाँ से कट लगाएंगे बीच सेंटर में से ऐसे, और अब हम इसे पिनअप कर लेंगे ऐसे कुर्ती के ऊपर रख के, और जैसे हम इसे, ये हमारा ब्लैक कलर का कपड़ा है, ठीक है, और ब्लैक कलर के हमारे इसमें फ्लावर आए, तो हम इसे ऐसे भी पलट के उल्टा करके भी बना सकते हैं, मतलब ये कपड़ा हम उल्टी साइड भी ला सकते हैं और सीधी साइड भी ला सकते हैं, और इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। अगर हम सीधी साइड लाएंगे तो हम इस कपड़े को सीधी साइड लाएंगे, ब्लैक कलर के कपड़े को, तो क्या करना होगा इसके लिए, उल्टे कपड़े की तरफ को गले को ऐसे उल्टा रखना होगा ऐसे, यहाँ से उल्टा है यहाँ से सीधा है, ठीक है। तो ऐसे उल्टे कपड़े की तरफ को गले को उल्टा करके, और इसे हम पिनअप कर लेंगे पहले ऐसे बराबर करके, सेंटर से सेंटर मिला के ऐसे पिनअप कर लेंगे, जिससे गला टेढ़ा ना हो ऐसे। ठीक है, कच्ची सिलाई भी लगा सकती हैं, हाथ से भी कच्चा कर सकती हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, जरूरी नहीं है आपके पास पिन नहीं है, पिन है नहीं है तो आप पिन से ही करें, कुछ भी कर सकती हैं आप ऐसे हाथ से या मशीन से ऐसे। और इसे सिल के हम इसे सीधे कपड़े की तरफ को पलट देंगे, ये पिन निकाल देंगे हम इसके, ठीक है। अभी देखिए सिलने के बाद इस कपड़े को हम
कट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के कट्स लगाने के लिए, और बाकी के कपड़े को हम ऐसे गोलाई में ही कट कर देंगे। ऐसे, और उसके बाद ये 20 सेंटर इसमें हम कट लगाएंगे, ऐसे सिलाई ना कटने पाए। कट हमें ऐसे लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई ना कटे, सिलाई से दूर कट लगाने हैं। और यहाँ से जो हमारे कॉर्नर है, यहाँ से अच्छे से कट लगाना है ऐसे। और अब इसे हम पलट देंगे सीधी साइड को, सीधी साइड को हम इसे इस तरीके से पलट देंगे ऐसे। और इसमें एक सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। और जो हमारी इसमें बहुत सारी सिलाइयाँ दिख रही हैं, इन्हें हम निकाल भी सकते हैं, निकल जाएंगे ऐसे। ये कपड़ा हमें, जो हमारी कुर्ती का कपड़ा है, इसे खींच के रखना है, जिससे हमारा ये कपड़ा ऊपर ना आने पाए। यहाँ से भी ऐसे ही मशीन को रोक के चलना है, और ऊपर की साइड को फिर से ऐसे ही सिलाई लगानी है जैसे मैंने उस तरफ को लगाई थी ऐसे। अब ये देखिए गला बना के हमने तैयार कर दिया, इस तरीके से हमारा ये गला बन के आया। और उसके बाद हम इसमें इस कलर की, इसमें हम ये लेस लगाएंगे बिल्कुल ये किनारे के ऊपर, ठीक है, बीच में नहीं लगानी है ऐसे। ये देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ लगा के। लगाना यहाँ से स्टार्ट करना है, ना कि यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करना है। ऐसे, और ऐसे कर्व देना है। ये पतली लेस हमें इसीलिए सही है ये, कि इसमें कर्व अच्छे से दिख जाता है। आप कोई भी कुर्ती वगैरह में लगाए ने तो ये अच्छे से इसका कर्व दिख जाता है। ऐसे इधर से लाके और कॉर्नर को मोड़ देना है हमें, यहाँ से लाके और मशीन को रोक के, और इस कॉर्नर को ऐसे ऊपर की साइड मोड़ना है ऐसे। तो इसमें हम कैसा भी कर्व दे सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं, तो इसमें ऐसे झोल वगैरह नहीं आएगा जैसे चौड़ी लेस में आता है। तो ये स्पेशल गले के लिए ही होती हैं, पतली वाली लेस, इन्हें गले के ऊपर यूज किया जाता है। ठीक है, अब मैं ये धागा यहाँ से एक्स्ट्रा लेस भी कट कर देंगे ऐसे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये गला बन के आया है। अब उसके बाद हम जो हमारा बैक वाला, वो तो नॉर्मल ही है, उसमें तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वो गोल गला बनाते हैं, उसी प्रकार से हम गला कट करके और उसके बाद उसमें वो पट्टियाँ कट करके वो। और अभी देखिए हमने बाजू भी अपनी इसमें ज्वाइंट कर ली हैं दोनों साइड से, और बाजू ज्वाइंट करना मैंने आपको बता रखा है, नॉर्मल ही है बाजू ज्वाइंट करना। और उसके बाद मैं इसमें फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी, यहाँ से ऐसे कपड़ा जितना हम छोड़ते हैं एक्स्ट्रा, उसी हिसाब से कपड़ा छोड़ते हुए और अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे पूरे में। ये हिप तक हमें सिलाई लगानी है ऐसे। जैसे हमारा ये अस्तर का कपड़ा है, तो ये कपड़ा हमें दोनों ऐसे सेट करना है दोनों हाथों से ऐसे। और उसके बाद इसमें कटिंग की सिलाई लगानी है ये हमारे हिप का माप यहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ पे 14 इंच तक, ठीक है, यहाँ से
इतना ला के हिप से अब हम ऊपर ले जाएंगे, इस सिलाई को ऐसे घुमा देंगे ऐसे। इससे क्या होता है कि जैसे हम सिलाई को यहीं पे छोड़ देते हैं, जब ये हम अपनी ये बॉटम पार्ट से ऊपर का हिस्सा, अब ये देखिए हमारी कुर्ती बन के तैयार हुई हो गई है। और उसके बाद हमने इसमें बाजू वगैरह सब अटैच कर ली हैं। और ये देखिए नीचे से बॉटम पार्ट भी, ये हमारा इस तरीके से आता है कि जो हमारा ये नीचे का, नीचे की लाइनिंग होती है ये थोड़ा ऊंचा लगता है, और जो बाकी का कपड़ा था वो हमने फोल्ड कर लिया है, और इस तरीके से हमारा ये थोड़ा ऊंचा रहता है इससे नेट से। अब ये हमने नीचे से बॉटम पार्ट वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया है। उसके बाद हम अपनी कोटी तैयार करेंगे। कोटी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम ये अपने शोल्डर जॉइंट करेंगे, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से हम अपने शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये आर्म होल की तरफ को आर्म होल रखने हैं, और ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है जो हमने कर दिया था, ठीक है। अब हम इसे ऐसे अटैच करेंगे इसके ऊपर। इसमें बाजू वगैरह तो कुछ लगेगी नहीं, तो मैं इसमें गोल्डन कलर की पाइपिंग लगाऊंगी। अभी देखिए शोल्डर हमने जॉइंट कर लिए हैं अपने यहाँ से, और उसके बाद हम आर्म होल पे हमें बाजू तो लगानी नहीं है, तो हम इसमें पट्टी लगाएंगे। पट्टी हमें गोल्डन कलर की लगानी है, और सीधी साइड को हम इसे ऐसे पलट देंगे। ये देखिए इस प्रकार से ऐसे लगा के, ये हमारी और ये पट्टी है, जो और पट्टी हम कट करते हैं वो पट्टी हमने कट की है, और उल्टी साइड से लगानी है और सीधी साइड को हमें सेट कर देंगे। ऐसे पूरे आर्म होल तक लगानी है। और एक्स्ट्रा हम ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम इन्हें ऐसे एक बार फोल्ड करके फिर एक बार ऐसे लगा देंगे। लेस भी लगा सकती हैं इसके ऊपर आप, और ऐसे ये बराबर फोल्ड करनी है यहां से भी, और दूसरी किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है ऐसे। दोनों साइड यही करना है हमें, इस साइड भी और दूसरी आर्म होल की साइड भी। ये हमारी पहली आर्म होल है, दूसरी आर्म होल की साइड भी हम ऐसा ही करेंगे। ऐसे पूरे में लगा लेंगे और दूसरी साइड भी लगा लेंगे इसी प्रकार से। अब ये देखिए बाजू के ऊपर हम, सॉरी आर्म होल के ऊपर हमने पट्टियां लगा ली हैं। उसके बाद हम गले के ऊपर लगाएंगे। गले के ऊपर हमें पाइपिंग की तरह लगानी है, यहाँ से फ्रंट साइड में लगानी है, बैक साइड में तो हम फोल्ड करेंगे। तो ऐसे बैक साइड में नीचे से तो कपड़ा हम बॉटम पार्ट पे से फोल्ड करेंगे, लेकिन जो बैक साइड का ये गला है वहां से हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे लगा लें ऐसे, इसे फोल्ड करके ये पट्टी अब हमने फोल्ड कर ली है, ठीक है। और इसमें ऐसे ही कर्व देना है हमें, जैसे हमने इसमें कुर्ती, सॉरी जैकेट में दिया है ऐसे, इस प्रकार से ऐसे घुमा के कर्व चलना है। यहां से भी ऐसे घुमा के, और यहाँ पे मशीन को ऐसे रोक के तब चलना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऐसे कर्व आया हुआ है ऐसे। और ये पूरे बॉटम पार्ट तक लगानी है हमें,
वैसे तो ये ओपन ही रहती हैं, लेकिन जिसमें बटन अटैच होते हैं वो अलग होती है, वो कुर्ती में अटैच होके बनती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल मैं वो बता रही हूँ जो कुर्ते के ऊपर अलग से पहनते हैं, यहाँ तक लगानी है हमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो हमारी फिटिंग की सिलाई होगी ना। अब उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ऐसे, और इसे भीतर की तरफ को फोल्ड कर देंगे, पूरे में ऐसे कट लगाने हैं हमें, ये आसानी से फोल्ड हो जाएगी अब कट, और सिलाई ना कटने पाए इस चीज़ का ध्यान रखें आप ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ से ऐसे सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर हम, बस हमें थोड़ी थोड़ी पाइपिंग दिखानी है अपनी, हमें कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है ना कि पाइपिंग के ऊपर, ठीक है, इतनी इतनी पाइपिंग दिखानी है हमें पूरी साइड में, और जहाँ से हमारा कर्व है वहाँ से कर्व लेते हुए चलना है हमें, इतनी इतनी, इस साइड से भी ऐसे, ऐसे भी ऐसे, और ऐसे घुमा देना है मशीन को। अब ये देखिए हमने पूरे में पाइपिंग लगा ली है, जैसे कि हमारी ये पाइपिंग थोड़ी ये टाइट सी हो रही है और उठी सी लग रही है, तो इसे दबाने के लिए हम इसमें, जैसे हमारे सूट में वाइट कलर की कढ़ाई है तो हम उसी कलर के हिसाब से इसमें वाइट कलर की लेस लगाएंगे ऐसे कर्व देते हुए नीचे तक पूरे में ऐसे, ठीक है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे, यहाँ से लगाने स्टार्ट, ये पीछे नहीं लगानी हमें बैक गले पे, हमें पाइपिंग से अलग लगानी है सिलाई भी, मतलब ये पाइपिंग नहीं ढकनी है हमें अपनी, ऐसे पाइपिंग को दिखते ही रहना है, जरूरी नहीं है आप इससे टच करके लें, थोड़ा गैप भी दे सकते हैं इसमें, और ये थोड़ी हमारी चौड़ी लेस है तो इसमें हमें हल्की सी प्लेट डालनी होगी यहाँ पे, ज्यादा नहीं हल्की सी, बहुत मामूली सी, देखिए यहाँ से कर्व है ना, तो यहाँ से ऐसे इस तरीके से हम इसे ऐसे ऐसे सिलाई को ऐसे घुमा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से भी ऐसे, दोनों साइड हमें ऐसी लेस लगानी है, आप इसे किसी भी कुर्ती के ऊपर पहन सकती हैं, क्योंकि ये ब्लैक है तो ब्लैक तो हर किसी कुर्ती के ऊपर चल जाएगी, फिर भी आप बनाए तो आप नेट से भी बना सकती हैं, जैसे अभी मैंने नेट की कुर्ती बनाई है तो उसमें मैंने नीचे लाइनिंग लगाई है ऐसे कटिंग करके, उसी हिसाब से उसकी लाइनिंग कट कर लें, और लाइनिंग वाली भी बना सकती हैं, वरना तो ये साटन का कपड़ा लेके इससे भी बना सकती हैं, और सनील के कपड़ा से भी आप बना सकती हैं, जैसे हमारे पास सनील के कपड़े होते हैं उनसे भी ये बहुत अच्छी लगेगी। अब उसके बाद मैं दूसरी साइड भी सेम इसी प्रकार से ये लेस लगा लूँगी, ये बैक गला छोड़ के, ठीक है। अभी देखिए हमने पूरे पे ये लेस लगा ली, उसके बाद हम इस पे भी लगा लेंगे आर्म होल के ऊपर, और उसके बाद जैसे हमारी पाइपिंग लगी हुई है तो पाइपिंग को हमें पूरा नहीं ढकना है, पाइपिंग को हमें दिखाना है थोड़ा सा, इतना दिखाना है हमें पाइपिंग को, ठीक है, और
ये जैसे चौड़ी लेस है वैसे तो ये खुद ही कवर कर लेगी सारे कपड़े को, फिर भी हम ये देखिए पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें दिखा के चलना है, ये थोड़ा इधर इसमें डिस्टेंस रखना है लेस में और इसमें अरमोल के कपड़े में, ठीक है इतना। अभी देखिए हमने ये पूरी बाजू वगैरह पे लेस वगैरह सब कुछ लगा ली है, और उसके बाद हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने आपको बताया था 8.2 हम इसमें ऐसे सिलाई लगाएंगे, जैसे हमने मार्क किया हुआ था यहाँ से ऐसे ही, और ये बाकी का हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें बच जाएगा यहाँ से ऐसे पूरे में लगा लेंगे हम। ठीक है, अब उसके बाद जैसे हमारा ये बैक वाला हिस्सा भी बचा हुआ है, अभी इसमें हमने वो फोल्ड नहीं किया है, वैसे इसे फोल्ड करने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी हम इसमें ऐसे हल्का हल्का सा फोल्ड कर लेंगे, और आप चाहें तो इस पे भी लेस लगा सकती हैं। ठीक है, अब हम इसमें इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी बुलेरो जैकेट आपके सामने बन के तैयार है। इसे बुलेरो जैकेट भी बोलते हैं, इसे कोटी भी बोलते हैं, इसे कई चीज बोलते हैं। और ये देखिए हमारी अलग से बनी है, तो ये हमारे खुली साइड रहती हैं, और जो हम बता रहे हैं आपको कि वो ज्वाइंट हो जाती है, उसके ये साइड पूरे सिल जाते हैं, सिर्फ उसमें ये शेप दिखती है हमें, इतना गैप होता है और सिर्फ ये शेप दिखाई देती है। अब ये हमारी खुली है, हम इसे अलग से पहन सकते हैं, ये हमारी ओपन है, और इसमें आप चाहें तो एक डोरी भी ऐसे बांध सकती हैं, वैसे इतनी ओपन रहती है ये। इस तरीके से हमने इसे बनाया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।